ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस वक्त खड़े हैं हम दीव के नॉर्थ कैंपस में जहाँ दूसरी चुनाव चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये छात्र छात्राएं हैं जहाँ वोट करके अभी आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं किन मुद्दों पे इन्होंने वोट किया है इस बार। नाम बताइएगा। मेरा विक्रम नाम हुआ और ऑनेस्टली इस बार मैंने वोट नहीं किया है। यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ, ठीक ना, बाकी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। और पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वादे तो कर, दूसू इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है, मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स भी थे सतीश सिंह वगैरह, जो पूरे देश का नजर इस पे होती है। सारे पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारती है, नेशनल पार्टियां जो वो भी छात्र विंग का चाहे एबीपी हो एनएसवाई हो, बट प्रॉब्लम जस्ट के तस हर साल रहता है। ये चीजें देखा गया है, जैसे सेफ्टी इशूज बड़ा इशूज होता है, हॉस्टल्स का इशूज इतने बड़े होते हैं सर कि हर बार कोड ऑफ कंडक्ट में बातें टूटी जाती है। वाटर इस बार गर्मियों में इतनी हालत खराब थी, हम लोग लाइब्रेरी में यहाँ बैठा करते थे सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो आप समझ सकते हैं। एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर इसमें वोटिंग नहीं करते, तो आप समझ सकते हैं कि जो छात्र यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं, खासकर हमारे लॉ के फ्रेंड्स हैं साथी हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको जो बेसिक्स नीड्स होती हैं उसके लिए लगातार हर बार बोला जाता है कि हाँ ये पूरा किया जाएगा, वो ये पूरा किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से कि वो सिर्फ वादे की जाती है, चाहे वो फीमेल्स महिलाओं की सेफ्टी की, जो हमारे गर्ल्स फ्रेंड्स जितने भी गर्ल्स लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी की बात हो, या सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है हॉस्टल्स का। हॉस्टल जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल्स यहाँ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात फीस, किसी कॉलेज में फीस कुछ है तो किसी कॉलेज में सेम कोर्स का फीस अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए पहली बात। उनका कहना है कि वादे किए जाते हैं पूरे कुछ कोई नहीं होता। आप स्टूडेंट हैं? सर मेरा नाम अभय यादव है, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश हूँ। वोट किया है इस बार? जी मैंने वोट किया है इस बार, और मेरा मुद्दा रहा है फी हाइक। लगातार मैं लॉ सेंटर की बात करूं, जब मैंने एडमिशन लिया था उससे एक वर्ष पहले फीस थी 2500 रुपए, और मेरे एडमिशन के टाइम पे फीस हो गई है 6000 रुपए, और मेरे सेकंड ईयर में फिर अगेन 500 रुपए बढ़ के इस बार फीस कटी है 6580 रुपए। तो लगातार जो सरकार की नीतियां हैं वो यह चाह रही हैं कि आम जो छात्र आता है, गाँव से छात्र आता है, वो फीस को अफोर्ड ना कर पाए। और दिल्ली जैसे शहर में अगर आप उससे इतना फीस ले रहे हो तो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन फैमिली। और बाकी लोकतंत्र की खूबसूरती है हम सभी वोट कर रहे हैं और आज सारे अपने अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं, कल सभी साथ बैठ के चाय पियेंगे। इट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, आई थिंक यू शुड बी कीप अप। आपका नाम क्या है? शाहरुख। वोट किया? जी जी। क्या मुद्दा रहा और क्या समस्या है पर वोटिंग में, कितना दिलचस्पी ले रहे हैं छात्र? हाँ मेरा जो मेरा पर्सनल लेवल पर मानना है कि इस बार की जो भीड़ है वो बहुत कम है, पिछले के मुकाबले। यहाँ पर एक मजमा जुड़ा हुआ था पिछली बार, इस बार तो लोग है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का रवैया कॉलेज प्रशासन कर रहा है वह छात्र जो संगठन या फिर आपकी यूनियंस होती है वो उनकी सुनती ही नहीं है, वो अपना ही चलाना जानती हैं। आप अगर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सच्चाई खुलकर आ जाएगी। आप अंदर जाओगे तो अंदर 5-6 लिफ्ट हैं, 5 में से एक फंक्शनिंग होती है, कभी कभार वो भी नहीं होती है। और कमरे इतने बड़े बड़े हैं, पंखे नहीं है। हमारे एक भाई हैं रौनक खत्री, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, वहां से ऑर्डर लेकर आए। इस कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी बड़े बच्चों ने रो रो के बनवाई, उसके अंदर एसी नहीं लगाए गए। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वहां से एमिकस क्यूरी आदमी अपॉइंट करा, वो यहाँ पर आए। बेसिक पानी नहीं है, पानी के जो आपके वाटर कूलर होते हैं उसके अंदर छपकलियां होती हैं। आप टीडीएस उनका टीडीएस इतना हाई है कि आप उनके वॉशरूम में भी यूज नहीं कर सकते। आप जो देश का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बेसिक एमिनिटीज नहीं है, पानी नहीं है पीने का। आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हो? आप छात्रों के लिए अच्छा पानी हो, एसी हो, लाइब्रेरीज हो, उनको लड़ना ना पड़े, इस चीजों की लड़ाई कर रहे हैं। प्लस अथॉरिटीज इतनी आर्बिट्रेरी है कॉलेज के अंदर, वो यूनियंस को काम ही नहीं करना देना चाहती। जो यूनियंस की अथॉरिटी होती है कल्चरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करना, वो उनको उतना भी अलाउ नहीं करती है। वो बोलती है कि हम अपॉइंट करेंगे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता हम अपॉइंट करेंगे, बजट्स वो एलोकेट नहीं करते। हम छात्र हैं, हमारी फीस के अंदर यूनियन का पैसा भी हम ही देते हैं। कोई भी सर है, कोई भी मैडम है, वो अपने पैसे जेब के नहीं देते, यूनियन का पैसा हम देते हैं। फिर भी हमारा ही पैसा हमें निकलवाने के लिए इतना रोना पड़ता है, इतना लड़ना पड़ता है। बोलते हैं बाहर से जाके स्पॉन्सरशिप लेकर आओ, ये इनका रवैया रहता हमारे प्रति। छात्रों में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। मूलभूत सुविधाएं जो कि कॉलेजों में होना चाहिए, पानी से लेकर बेसिक चीजें, वो नहीं होती। आइए कुछ और छात्र हैं। आप सर स्टूडेंट? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, वोट किया?
हाँ मैं लॉ का छात्र हूँ कैंपस लॉ सेंटर में। क्या मुद्दा रहा, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो एज सच इम्प्रूवमेंट ही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है हमारे लिए बेसिकली। मतलब बहुत सी चीजें हैं, मतलब कैंटीन नहीं है कॉलेज में, मैनिफेस्टो में अलग अलग बातें बताई। हाँ उसमें से अब देखिए हम तो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो अभी जैसे वादे किए गए हैं तो हमें थोड़ी उम्मीदें तो हैं कि हाँ जिसको हमने वोट डाला है तो क्या पता उन उम्मीदों पे वो खड़े हो। बाकी सब वादे तो करते हैं बट 30-40% भी उसका हो जाए तो कोई बुरा तो है नहीं, बट इसीलिए यूनियन को चूज किया जाता है। कुछ और छात्र हैं उनसे बात करते हैं। आपने वोट किए? हाँ जी, मेरा नाम रोहित चौधरी है, किया है वोट मैंने। क्या मुद्दा रखा आपने? उन कुछ नहीं, जो वुमेन सेफ्टी और एक तानाशाही हटाने के तौर पे और जो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं सबके गवर्नमेंट, मतलब जैसे बच्चे कर रहे हैं अब ये लोग भी हमारे लॉ कॉलेज हमने उसमें वोट दिया है। और जो अगर दूसरों की बात करूँ तो एक ड्रास्टिकली चेंज होना चाहिए राजनीति के तौर पर भी और वैसे भी। इस बार वोट में कितना दिलचस्पी ले रहे हैं स्टूडेंट्स? है जैसे पहले की पूरी लहर थी ऐसी ही लहर आपकी बार भी है, कह सकते हैं कि थोड़ी कम या बढ़त वो हर साल होती रहती है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ तक है। बाकी आपकी बार मेरे को लगता है बच्चों ने डेडिकेटेड वोट दिया है काम को, ना कि छात्रवाद और जातिवाद को। अच्छा इस बार हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है रिजल्ट को लेकर, समझ गया मैं, 31 अक्टूबर तक जो मतलब उन्होंने 31 तारीख का वेट दिया है मेरे अकॉर्डिंग सही है और सफाई और ये सारे पोस्टर से हटने चाहिए। एक पावर छात्रों को भी मतलब जुडिशरी की है या उनकी पता चलनी चाहिए, पर ये थोड़ा एक पॉइंट नेगेटिव में भी चला जाएगा कि ज्यादा टाइम मिलेगा तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा, तो मेरा उस पर भी मानना ये है कि इतना टाइम नहीं देना चाहिए, जितना कम टाइम मिलेगा उतना ज्यादा हो सकता है बिल्कुल एकदम मतलब बिल्कुल सही सटीक वोट एकदम काउंट होगा। ज्यादा अगर सोचने का मौका मिलेगा तो उस पर ज्यादा प्रॉब्लम आई है, वो आपको खुद को भी पता है रिजल्ट में ज्यादा डिले होगा तो ये मैं भी जानता हूँ अच्छे से आप भी जानते हैं। भाई इनका कहना है कि रिजल्ट में अगर डिले होता है तो इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। आप स्टूडेंट? हाँ जी मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ सेंटर का स्टूडेंट हूँ। वोट किया आपने? हाँ जी बिल्कुल, यही कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉ सेंटर के तो और खास करके सीएलसी की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अंदर की भी व्यवस्था भी बहुत पुरानी हो चुकी है, जैसे बेंच डेस्क है, वाटर का मीटर है उसमें, तो इसमें थोड़ा बदलाव तो चाहिए, उसमें जरूरी है उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हर बार मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं अलग अलग, मेट्रो मेट्रो को लेकर चीज होता है तो वो कितना पूरा होता है, लगता है कि पूरा होता है पता नहीं। वादे तो हर साल किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और पूरा करने के अभी भी मैंने देखा कि अभी एक ये आया था कि बसें चलेंगी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द और पता नहीं बसेज कहाँ है अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा। और मैनिफेस्टो का जहाँ तक बात है हम लोग तो यही डिमांड चाहते हैं कि कम से कम 20-30% उसके वादे पूरे कर दो आप, 100% तो मुश्किल है, आप उतना ही तो कर दो कम से कम। आप जा रहे हो दूसू पैनल पे बन के जा रहे हो, इतने बड़े पोस्ट पे कह रहे हो कि मैं आ रहा हूँ प्रेसिडेंट बन के आ रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट बन के आ रहा हूँ, थोड़ा सा वो करो कि स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो। और गद्दी तो आपको मिल ही जाएगी जो आएगा वो, बस स्टूडेंट को हेल्प होना चाहिए, बस यही स्टूडेंट की डिमांड है। स्टूडेंट को हेल्प होना चाहिए। नाम? रोशन गिरी। वोट किया आपने? जी जी। किस मुद्दे पे वोट किया जी? मेरा मुद्दा ये था कि हम लोग को हमारा फर्स्ट ईयर है मेलाओ से कैंपस को सेंटर से, और मेरा मुद्दा ये था कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक नीड है वो हमको मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दूर दूर से आए हैं, कोई 1200 किलोमीटर से आया है, कोई मतलब दक्षिण भारत से आया, कोई नॉर्थ इंडिया से और कोई आपका ईस्ट से वेस्ट है, तो हम लोग का मुद्दा ये होता है कि हम लोग आते हैं बट हम लोग को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता, आजू बाजू जो रेंट है इतना हाई है कि पूछिए मत, अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ लोग। और जो हमारे मैनिफेस्टो में है लोग दिखाते हैं कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, जैसे ऐसा ने कुछ बताया था जो हमारी पार्टीज हैं। और दूसरी बात हमारे यहाँ की जो पानी का रिलेटेड मुद्दा है, पानी पानी मतलब प्रॉपर मिलता नहीं है, प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता हमें, लगे तो हैं बट वो पानी जब आप पी लोगे तो आपको 10 दिन बाद हो सकता है टाइफाइड भी हो जाए, तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है। नाम? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है। क्या क्या मुद्दे? मुद्दे इस बार ऐसे थे, जैसे आप जानते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें से भी मानसून के मौसम में पानी लीक हो रहा था, सारे में पानी भरा रहता है, वुमेन सेफ्टी नहीं है सेंट्रल लाइब्रेरी में भी, लाइट नहीं, वो बाहर का जो पार्किंग वाला पार्क वाला एरिया है वहाँ पे भी लाइट नहीं होती है, यहाँ पे लाइट नहीं है, जो हमारी बहन है वो सेफ नहीं है,
पीसीआर वैन बहुत बार यहाँ पे नहीं होती है। सो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी कोई बात नहीं करता है, और सारी ही पार्टियां, मतलब जो पार्टीज हैं, वो एक टाइप से कास्टिज्म और रीजनलिज्म को प्रमोट करती है। तो इनका कहना है कि मूलभूत सुविधा जो है वो कॉलेज में नहीं है, और इस बार जो जितने भी वोटिंग हो रहे हैं मूलतः सुविधाओं को लेकर किया जा रहा है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।